Welcome back to our channel, guys. Welcome back to our channel and a new episode. तो आज हम लोग निकल रहे हैं जिबी से एक दूसरी वैली की तरफ. ये वैली तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी. अगर हमारे पास और ज़्यादा टाइम होता तो वी शुड मतलब हम लोग ज़रूर रुकते हैं यहाँ पे. उसका कोई दौर आया नहीं था, बट अभी हमें और भी जगह देखनी और भी जगह जाना है, तो इधर दो दिन काफ़ी हैं. तो अभी हम लोग नेक्स्ट वैली की तरफ निकल रहे हैं जो कि तीर्थन वैली है, जो हमने आपको एक प्रीवियस व्लॉग्स में भी उसका मेंशन कहीं किया होगा. तो अभी बस हम लोग रास्ते पे, अभी जस्ट हम लोग अपने स्टे से निकले हैं, तो यहाँ से कुछ 1 घंटा 15 मिनट का रास्ता बता रहा है. तो हमें थोड़ा और टाइम लग सकता है क्योंकि हम लोग थोड़ा रुक रख के जाएंगे, थोड़ा व्यू को इन्जॉय करते हुए जाएंगे. बट जहाँ तक हमने सुना है यहाँ से प्लेन्स का ही रास्ता है, तो ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं होगा एंड इट विल बी अ बेटर राइड. तो देखते हैं क्या लाता है हमारे हमारे साथ. हमारा लैपटॉप भी चल रहा है क्योंकि यहाँ पे आपको नेटवर्क काफी कम मिलता है और कम उनके फाइल्स रहते हैं, बड़े फाइल्स, सो यू नीड अ हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन. हाई स्पीड से ज्यादा उसमें बहुत जान लगती है अपलोड के टाइम पे आई गेस नेटवर्क को, क्योंकि बहुत हम लोग ने वाईफाई से भी कनेक्ट किया बट बहुत स्लो अपलोड हो रहा है. इट्स अ हैवी फाइल एंड होपफुली जितना मेहनत हम लोग इन वीडियोस पे कर रहे हैं, फिर उसको एडिट करके फिर अपलोड में लगा के 4K रेजोल्यूशन में, आप लोग को पसंद आ रहा होगा. और इससे और अगर आप लोग को पसंद आ ही रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना. बस अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, देखते हैं हमारे सामने क्या क्या नज़ारे आते हैं और रास्ता कैसा है. और आपको रास्ते में ही तीर्थन वैली के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देते चलेंगे. हाँ तो चलो अभी चलते हैं. Happy Holi to all of you. Happy Holi to all of you guys. पर हम travel कर रहे हैं, इसलिए ना रंग है ना अभी गुलाल. ना जानने वाले ना पहचानने वाले कोई है, पर रास्ते पे कोई नहीं. हम अपनी होली या दिवाली अगर ट्रैवल करते हुए खूबसूरत नज़ारों के थ्रू आप गुजरते हुए मनाओगे तो उससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता. तो बस अभी हम लोग रास्ते में निकल रहे हैं, आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे. बट होली की शुभकामनाएं एक होगा. रास्ता कुछ अभी तो बहुत जल्दी हम लोग पहुँच गए क्योंकि रास्ता इतना डिफिकल्ट नहीं था. बट ये है कि आपको बाज़ार के बीच में से बंजार करके बाज़ार आएगा, उसके बीच में से होते हुए आओगे आप तो बहुत ट्रैफिक रहेगा. पतली लेन है वो, तो एकदम स्लो चलाना पड़ेगा. प्लस रोडों की हालत बीच बीच में टूटी फूटी है और नॉर्मल रोड बीच बीच में अच्छी भी आती है. चेरी ऑन द केक ये है दैट आज होली है तो काफी भीड़ है रास्ते पर. बट लोग एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा दिख रहा है, पहाड़ों में होली मना रहे हैं. पर ये रास्ता बहुत ही सुंदर है. सामने आप देख सकते हो, सामने इस तो क्या माउंटेन्स दिख रहा है. आई डोंट नो दैट हिमालय आज रही दैट इज हिमालय. आई थिंक सो इट इज किन्नर कैलाश के आसपास का कुछ है. बट वी रियली डोंट नो द राइट मतलब कौन सा पीक है वो. बट ये आपको जलोरी पास के पीछे साइड का दिख रहा है वो, क्योंकि हमें आते समय दिखा था. एंड अभी यहाँ से कुछ 6 किलोमीटर दूर है हमारा स्टे. बट अभी हम लोग सोच रहे हैं कि पहले स्टे जाएं या फिर हम लोग एक गांव जाएं जो कि बहुत हाइट पे है और सबसे लास्ट गांव है वहाँ पे. हाइट सर्ची विलेज है जो तो कि लास्ट. हम लोग अभी करेंगे या कल करेंगे वो हमको डिसाइड करना बाकी है, क्योंकि जो हमारा स्टे है राइट, अभी जो हमने कॉटेज ले रखा हुआ है वो रिवर के उस तरफ है. एंड उधर जाने के लिए आपको थ्रू पुली जाना पड़ता है जो कि मैनुअल लेबर पे डिपेंड करता है. तो एक बार आप वहाँ चले गए तो फिर वापस आके निकलना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो वही हम लोग अभी सोच रहे हैं क्या करें. बट व्यू बहुत खूबसूरत है, आप लोग देख सकते हो साइड में रिवर बह रही है अभी. तो ऐसे साइड में नदी बहते हुए जा रही है, आपको जंगल के थ्रू होते हुए जा रहे हो, रोड अच्छी खासी मिल रही है, थोड़ी ब्रॉड है
इसे ब्रॉड नहीं और ये और ये गांव काफी सुंदर है, मतलब वैली 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 है ना, तो आप वैलीज के बीच के गांव तो हमेशा सुंदर ही मिलेंगे जब तक यहाँ पे भी ढेर सारी बिल्डिंग्स वगैरह खड़ी ना हो जाए, तो तब तक ये अच्छी ही लग रही है, खूबसूरत लग रही है, तो अच्छा लग रहा है। अभी तक उतना टायरिंग नहीं हुआ, ये एक डेढ़ घंटा कब निकला हमें मालूम नहीं चला, तो ऐसे ही रास्ते रहे तो बेटर रहेगा हमारे इस जर्नी में, बहुत लंबा भी जाना है, अभी तो हमने जस्ट स्टार्ट ही किया। तो जब ऐसे पतले रास्ते आते हैं तो ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अभी देखो वहाँ पर एक ट्रक फंसे है। ये पूरा स्क्रीन यहाँ से क्लियरली दिख रहा है। हमने ये प्लान कर लिया है दैट अभी हम सरची जाएंगे डायरेक्टली, दिन के 2 बज गए हैं ऑलरेडी, तो हमने आई थिंक धूप वाला टाइम 1 घंटे में निकल जाएगा, बाय द टाइम हम वहाँ पे पहुँचेंगे तो धूप भी रहेगी, आई गेस 3:30-4 बज जाएंगे वहाँ पहुँचते पहुँचते, तो शाम का थोड़ा टाइम रहेगा तो इन्जॉय कर। मैं उसी समय प्रेफर करती हूँ, मुझे कभी भी 1-2 बजे निकलना पसंद नहीं है क्योंकि सर पे धूप लगती है और आदत नहीं है जब आपको धूप की तो आप बीमार पड़ जाओगे, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू चूज अ टाइम जहाँ पे फोटोज वीडियोज अच्छे हैं, एट द सेम टाइम यू कैन एंजॉय योरसेल्फ। तो निकलते हैं हम लोग सरची की तरफ, अपने स्टे से पहले घूम के आते हैं और फिर शाम को। सरची एक बहुत ही प्यारा सा गांव है जैसा हमने सुना है, ये लास्ट गांव है, काफी ऊंचाई पर बना है और बहुत ही सुंदर है, सो लेट्स सी। अभी 16 किलोमीटर है एंड दिस इज हाउ द प्लेस लुक्स। सो गाइज हमने अपना पहला स्टॉप ले ही लिया है एंड यहाँ से जो आई गेस किन्नर कैलाश होगा जहाँ तक मैंने फ़ोटोज़ में देखा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है एंड बहुत पास दिखाई दे रहा है, मतलब आप फ़ोन से हमको जूम करना पड़ा बट रियली आप अगर यहाँ आके खड़े होके देखोगे तो ऐसा लग रहा है थोड़ी दूर ही है। बस कैसा लग रहा है ये नज़ारे यहाँ पे जो आप घूमते हुए आ रही हो? रास्ते तो थोड़े से स्टीप हैं पर ओवरऑल द व्यू इज अमेजिंग, यहाँ पे व्यू काफी अच्छा है और काफी लोग हमें दिख रहे हैं ऊपर जाते हुए, होली का वीकेंड है इसलिए यहाँ पे भीड़ भी थोड़ी हो रखी है, लेकिन जब आप थोड़ी ऊपर आओगे तो आपको थोड़े से होम स्टेज वगैरह दिखाई देते हैं, सो आई थिंक अगर पहले से कोई बुक करके आए सो इट विल बी अ नाइस ट्रिप। हाँ और तीथन में थोड़े एक्सपेंसिव रहते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज थोड़ा अंदर है शायद से, पर यहाँ पे आपको पेट्रोल पंप वगैरह भी नहीं मिलेंगे बहुत, अभी तक तो हमने जीबी में और तीर्थन में अभी तक तो पेट्रोल पंप दिखा नहीं, पहले ही फुल टैंक करा रखा था नारकंडा से ही, या फिर नारकंडा से उतरते समय भी आपको बहुत सारे दिखेंगे रामपुर, तो वहाँ से आप पेट्रोल भरा लेना फिर आप जीबी आना, उसके बाद जीबी में रुकना 2 दिन या 1 दिन या फिर कितने भी दिन, जितने दिन आप रिलैक्स करना चाहते हो आपके ऊपर है, क्योंकि ये जगह है ना बहुत सूदिंग और बहुत पीसफुल जगह है, यहाँ पे आप कितना भी टाइम बिता लो अगर पास टाइम ही टाइम है। दीज आर ऑफ बीट प्लेसेस, हर कोई शिमला जानता है, मनाली जानता है, कुल्लू जानता है, पर ये ऑफ बीट डेस्टिनेशंस हैं जो कि लोगों ने एक्सप्लोर करना अभी शुरू ही करा है। हाँ
और यहाँ हर एक जगह आपको एक्सप्लोर नहीं मिलेगी। ये भी नाम इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे कुछ ज्यादा आबादी है तो लोगों को पता चल गया कि हाँ यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। और यहाँ के लोग बहुत स्वीट हैं। यहाँ पे अगर फीमेल सोलो ट्रैवलर्स भी आना चाहें सो आई थिंक इट्स प्रीटी सेफ फॉर फीमेल सोलो ट्रैवलर्स एज वेल। हाँ तो अभी बस हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे रुकते हैं, इस नज़ारे को थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, आप लोग के साथ क्लिप शेयर कर देंगे और थोड़ी दूर और आगे जाएंगे फिर रुकेंगे कहीं पे और आपको तीर्थन वैली के बारे में थोड़े और डिटेल्स देंगे। हाँ चलो।